हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय में मैं गाड़ी चलाता हूँ अपना खुद का लेकर के। आप सबको हमने बताया भी था पहले ही, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, पर जो आएगी एकदम सटीक जानकारी आएगी। रोज रोज की फड़ेबाजी वाली कोई मतलब नहीं है। मैं वो जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो कि जो लोग नए वीजा पर आते हैं और परेशान हो जाते हैं उनके लिए। इसके अलावा दूसरी जानकारी जो होगी एक व्हाट्सएप से अपडेटिंग की है, और तीसरी जानकारी जो इसमें आपको दूंगा मैं वो दूंगा जेल से रिलेटेड। ऐसी काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो कि आप लोगों को जानने को और देखने को मिलेगी पूरे प्रूफ के साथ में। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो आप लोगों को जानकारी दे जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, एक भाई के कमेंट के बारे में। और इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को नए वीजा के बारे में बताऊंगा, नए वीजा पर आकर लोग जो फंस जाते हैं या किस तरीके से अपने कफिल से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो सबसे पहले कमेंट था, एक था सनातन हिंदुत्व भाई का। इनका कहना है कि मेरे पापा सऊदी जेल में अल्कोहल के केस में फंस गए थे। उनको जो सजा सुनाई गई थी वो जून में ही पूरी हो गई। इतना टाइम हो ऊपर हो गया लेकिन फिर भी वो घर वापस नहीं आ पाए। घर पे सब लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो ये कमेंट जो हुआ था आज के 7 दिन पहले हुआ था। लेकिन सनातन भाई, आपको बता दें, अगर आपके पापा पहुँच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुँचे हैं तो आपको एक बात बता दें कि आप अपने नज़दीकी थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाइए। वो कंप्लेंट विदेश मंत्रालय के थ्रू होगा, और विदेश मंत्रालय में जब वो चीज़ होगा, कंप्लेंट होगा, तो वो यहाँ के एम्बेसी को कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ठीक है? और एम्बेसी जाकर के इसका जांच पड़ताल करेगी, तभी आपको क्लियर पता चल पाएगा। अब ये मत सोचना कि हम कोई यहाँ पर किसी आदमी को नंबर दे दे वो जाके पता करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एम्बेसी का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? अब इसके अलावा अब एक अपडेट आपको मैं व्हाट्सएप से रिलेटेड दे देता हूँ। इसके बाद में हम बात करेंगे नए वीजा पर आकर जो लोग फंसते हैं या नए वीजा पर आते हैं तो किस तरीके से वो अपना काम अपनी मर्जी से सारा कुछ करवा भी सकते हैं, ठीक है? तो पहले व्हाट्सएप की जानकारी ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है जिसमें व्हाट्सएप को लेकर के, ठीक है? तो व्हाट्सएप को हम खोल दिए हैं और यहाँ पर आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ मस्त यार, जेन्युइन है। किसी की डीपी टच करो, आइकन वाली बटन पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी चैट लॉक, किसी का भी लॉक आप लॉक कर सकते हो और प्राइवेसी रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ी प्राइवेसी है इसलिए ब्लैक हो जाती है। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे और ये जो हमने अपने घर का ही नंबर लिया था, इस नंबर को अभी हम थोड़ा बैक करते हैं। देखिए यहाँ पर लॉक चैट लिख के आ गया, ऊपर में लॉक चैट लिख के आ जाएगा, और इस चैट को आप ओपन भी कर सकते हो। नॉर्मली आपका फिंगर वगैरह ही लगेगा, फिंगर लगेगा या पासवर्ड लगा रखे होगे, पैटर्न लगा रखे होगे, जो भी लगा रखे होगे वही से खुल जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्राइवेसी खासतौर से उन लोगों के लिए जो भैया रड़वा सम्मेलन होते हैं या घर पे जो लोग अपना प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे नॉर्मली है, लेकिन ये है किस पे, व्हाट्सएप मैसेंजर पे। ये मत सोचना कि व्हाट्सएप बिजनेस पे या फिर GB वगैरह पे, इन सब पे हमने चेक नहीं किया, पर व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप मैसेंजर नॉर्मली उस पर ये चीज़ है, ठीक है? अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग नए वीजा पर आते हैं वो लोग किस तरीके से अपने कफिल से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक अपडेट आया हुआ था यहाँ पर काफ़ी दिन पहले, जिस अपडेट को यहाँ पर किया भी गया था और काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोग फारिग भी हुए थे इस चीज़ से। तो यहाँ पर बताया था कि सऊदी अरब में अगर आप आ जाते हैं नए वीजा पर, और अगर आपका कफिल आपको 15 दिन तक आपका कोई खोज खबर ना ले, आपको अपने पास ना ले जाए, तो आप अपने हिसाब से दूसरी जगह अपना जॉब चेंज कर सकते हो, यानी अपने मर्जी के मालिक हो सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको मिनिस्ट्री में एक कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी। आपका पासपोर्ट आपके पास होगा, वीजा नंबर उसका लगा ही रहेगा उस पर, उसके बाद में होगा। तो इसके लिए क्या क्या कुछ करना होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर स्पॉन्सर 3 महीने के भीतर अपने कामगार का यानी कि अपने जो वर्कर है उसका ही कामा ना बनाए, या फिर 30 दिनों तक उसको उस अपने पास ना ले जा सके, कहीं अगर आप आए एयरपोर्ट पे एग्जांपल के तौर पर, एयरपोर्ट से उतरे कहीं दूसरी जगह चले गए, वो कफिल ने भेज दिया और वहाँ पर 30 दिनों तक नहीं आता है, तो आप 30 दिन के बाद अपने मर्जी के मालिक हो जाते हो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरी मर्जी की नहीं है, ठीक है? यहीं पर एक चीज़ और बताया गया है कि अगर वो दूसरों के भरोसे आपको सौंप देता है और आप उसके पास खुश नहीं है, तब भी आप अपना जो है मिनिस्ट्री में कंप्लेंट दर्ज करवा करके अपना वीजा अपनी मर्जी से करवा सकते हो। अब एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट की बात है, अगर आप अपने कफिल के पास चले गए हैं, आपके कफिल के यहाँ पर कोई भी उनका परिवार अगर कोई दुर्व्यवहार आपके साथ करता है, तब भी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। देखिए, कंप्लेंट दर्ज करवाना
और कंप्लेंट करके उसके बाद में लड़ना, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि कंप्लेंट दर्ज करने के लिए तो बहुत से लोग बता देंगे कंप्लेंट दर्ज करो करो, लेकिन भैया उसके बाद में जो परेशानी उठानी पड़ती है वो तो आपको ही झेलना पड़ेगा, तीसरा बंदा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो तो ही ये कदम उठाना, बीच में मत उठाना, ठीक है। एक चीज और बता दूं, आपके ऊपर में झूठी हुरूप नहीं लगाई जा सकती है, अगर लग भी जाए तो उसको लेकर के आप जो है अपने स्पॉन्सर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा करके उस हुरूप को कैंसिल करवा सकते हो। नॉर्मली कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। रिस्क से इस करोगे तभी कुछ काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना जैसे लगे पड़े हो तो लगे रहो, उसमें कोई दो राय भी नहीं है।